हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ चॉकलेट ब्राउनी की रेसिपी, जो बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत पसंद होती है। बिल्कुल बेकरी स्टाइल, गुई और फजी। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। आज यहाँ मैं रेक्टेंगल शेप के मोल्ड में अपनी ब्राउनी को बना रही हूँ। आप चाहें तो स्क्वायर मोल्ड ले सकते हैं। इसके अंदर हम लगा लेते हैं बटर पेपर। बटर पेपर से ब्राउनी इजिली बाहर आ जाती है। बाउल में ऐड कर लेते हैं हाफ कप सॉल्टेड बटर। अब इसमें हमारा जाएगा हाफ कप डार्क चॉकलेट। यहाँ पर मैंने कंपाउंड का यूज किया है, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। इसे हम माइक्रोवेव कर लेते हैं फॉर 1 मिनट। मैंने इसे माइक्रोवेव कर लिया है 1 मिनट के लिए। आप चाहें तो डबल बॉयलर का भी यूज कर सकते हैं। इसे हम लिड से कवर कर देते हैं फॉर 2 मिनट्स। इससे क्या होगा कि बटर की हीट से चॉकलेट हमारी मेल्ट हो जाएगी। 2 मिनट हो चुके हैं चॉकलेट को और बटर को हमारे इसी तरह से रेस्ट करते हुए। अब हम इसे कर लेते हैं अच्छे से स्टेयर। चॉकलेट को हमें ओवरहीट नहीं करना होता, क्योंकि चॉकलेट बहुत जल्दी जल जाती है। तो इसे हमें अच्छे से मिलाना है। अगर आपको लगे कि आपके चॉकलेट्स के चंक्स रह गए हैं, तो आप इसे 30 सेकंड्स के लिए फिर से माइक्रोवेव कर सकते हैं। हमारा एकदम ग्लोसी मिक्सचर रेडी है। अब इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 1 कप मैदा। इसके साथ इसमें हमारी जाएगी 3/4 कप पाउडर्ड शुगर। शुगर को मैंने सिंपली मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। और अब ये लिया है मैंने 1/4 कप कोकोआ पाउडर। यहाँ पर जो मैंने कोकोआ पाउडर का यूज किया है वो अनस्वीटेंड है। अब इसमें हमारा जाएगा 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। सारे इंग्रेडिएंट्स को हम कर लेते हैं शिफ्ट। ब्राउनी में हम बेकिंग सोडा ऐड नहीं करते हैं, केक में हम बेकिंग सोडा ऐड करते हैं। बेसिकली दोनों में ये फर्क होता है कि जो केक है वो थोड़ा स्पॉन्जी होता है और हमारी ब्राउनी थोड़ी गुई होती है। तो मैंने मिक्स कर लिया है ड्राई इंग्रेडिएंट्स को वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ। अब इसमें हमारा जाएगा 1/2 कप मिल्क। यहाँ मैंने रूम टेम्परेचर मिल्क का यूज किया है। इसे भी हम अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। और मिल्क को हम ग्रेजुअली ऐड करेंगे। पहले मैंने 1/2 मिल्क डाला था, अब बाकी बचा हुआ मिल्क भी इसमें मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। इस स्टेज पर आप हमेशा स्पैटुला का यूज कीजिए, इससे मिक्सिंग बहुत अच्छी होती है। तो हमारा जो मिक्सचर है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं थोड़ा थिक है, क्योंकि ब्राउनी का जो मिक्सचर होता है वो थिक होता है। इसे हम ट्रांसफर कर लेते हैं हमारे मोल्ड में। बैटर को हम स्पैटुला से इवनली स्प्रेड कर लेंगे। अब हम इसे 2 से 3 बार टैप करेंगे, ताकि जितने भी एयर बबल्स हो वो निकल जाएं। हमारा मिक्सचर रेडी है। आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव में भी 180 डिग्री सेल्सियस पर 35 से 40 मिनट्स के लिए बेक कर सकते हैं, लेकिन आज हम इसे कढ़ाई में बेक करेंगे। कढ़ाई को मैंने 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था। अब इसमें हमारा जाएगा ये स्टैंड। आप चाहें तो प्लेट का भी यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर जाएगा मोल्ड और इसे 35 से 40 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बेक करेंगे। 40 मिनट्स हो गए हैं ब्राउनी को बेक होते हुए, तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो आप कोई भी नाइफ या फिर टूथपिक इंसर्ट करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आज नाइफ का यूज कर रही हूँ। नाइफ को हम सेंटर में इस तरह से इंसर्ट करके देखेंगे। आप देख सकते हैं कि नाइफ बिल्कुल क्लीन है। इसका मतलब है कि हमारी जो ब्राउनी है वो परफेक्टली बेक हुई है। इसे हम कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। 5 मिनट के लिए इसे हम रेस्ट करने देते हैं, ताकि जो हमारी ब्राउनी है वो थोड़ी सी ठंडी हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं, ब्राउनी थोड़ी सी ठंडी हो गई है। तो इसके साइड्स को नाइफ से इस तरह से निकाल लेते हैं, ताकि जो हमारी ब्राउनी है वो इजिली बाहर आ जाए। फ्लिप कर लेते हैं इसे। तो इसके लिए मैंने ली है प्लेट, उसे कवर किया है, उसे अब हमने फ्लिप कर लिया है। इससे आपकी ब्राउनी टूटेगी नहीं। टैप कर लेते हैं 2 से 3 बार। आप देख सकते हैं ब्राउनी इजिली बाहर आ चुकी है। अब हम इसे सीधा करेंगे ऑन वायर रैक। वायर रैक पे फ्लिप करने के लिए भी मैंने सेम टेक्निक का यूज किया है। ब्राउनी को हम कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे ऑन वायर रैक। ब्राउनी हमारी कम्प्लीटली ठंडी हो चुकी है, तो इसे ट्रांसफर कर लेते हैं बोर्ड पर। ब्राउनी को पीसेस में कट कर लेते हैं। बेकरी स्टाइल गुई एंड फजी ब्राउनी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसे करते हैं सर्व। ब्राउनी को एंजॉय कर सकते हैं आइसक्रीम के साथ। आज मैं इसे चॉकलेट सॉस से गार्निश कर रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।